हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लर्नोपीडिया। हम लोग पढ़ रहे हैं एसिड एंड बेसिस। ये टॉपिक जितना छोटा है उतना ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे आने वाले जो मंथ्स हैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम है, गेट का एग्ज़ाम है, यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम है, और अब तो यूपी पीजीटी में भी वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो आगे आप लोग उसके भी फॉर्म भरिए, पीजीटी का भी एग्ज़ाम है। तो एसिड और बेस ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हम लोग नेट का पेपर दे रहे हों, गेट का दे रहे हों, जेम का दे रहे हों, या फिर पीजीटी का। छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है, हमेशा 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन नेट में पूछा जाता है, पीजीटी में भी 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 2 से 4 नंबर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं जब मेरिट बन रही होती है, इसलिए इसको भी आप लोग बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ना तो छोड़ के जाइएगा, क्योंकि अगर आप लोग इसको पढ़ने बैठेंगे तो मुश्किल से 1 या 2 घंटे में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और काफ़ी आसान है, समझ में भी आएंगी सारी चीज़ें, क्योंकि एसिड बेस हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी स्टैंडर्ड है और नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो हम लोग अब पढ़ लेते हैं एसिड और बेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि हम लोग एसिड बेस जब भी बात करते हैं, जैसे हम लोग जब 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में थे, तो जब भी एसिड बेस की बात होती थी तब जो भी बात होती थी वो केवल वाटर में कंसीडर करते थे हम लोग। यहाँ पे हम लोग वाटर के साथ साथ और भी कई सारे सॉल्वेंट्स होंगे हमारे पास, जिनमें हम लोग एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि नेट गेट जो इस टाइप के एग्ज़ाम होते हैं उनमें आगे आप लोग जब रिसर्च करते हैं तो केवल हम लोग वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ नहीं करते हैं, अलग अलग सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट्स, अप्रोटिक सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, इस तरीके से सॉल्वेंट्स यूज करते हैं हम जब कोई भी रिसर्च करते हैं, कोई भी रिएक्शन लगाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए ये एसिड बेस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहले हम लोग जो भी एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो वाटर में देखेंगे, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट में देखेंगे, उनका नेचर कैसा होता है। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को पता है कि H2SO4 क्या है, एसिड है, लेकिन कभी कोई ऐसा सॉल्वेंट भी आ जाता है जहाँ पे H2SO4 एक वीक एसिड की तरह काम करने लगता है या फिर बेस की तरह काम करने लगता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पढ़िए आप लोग, चलिए पढ़ते हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड दैट एग्जिस्ट इन वाटर इज H3O+। तो ये जो बात हम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ अभी वाटर में कर रहे हैं, जब डिफरेंट सॉल्वेंट की बात होगी तो वहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा क्या लिखा हुआ है, द स्ट्रॉन्ग एसिड दैट एग्जिस्ट इन वाटर इज H3O+, द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस दैट एग्जिस्ट इन वाटर इज OH-। जैसे हम लोग पढ़ते थे कि वाटर में जो H+ आयन देते हैं वो एसिड और OH- आयन देते हैं वो बेस कहलाते हैं। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का मतलब है जब वाटर की बात होगी तो H3O+ हो जाएगा और OH- है तो वो बेस हो जाएगा। सबसे पहले आता है आरहेनियस का कॉन्सेप्ट एसिड बेस के। तो ये जो आरहेनियस का कॉन्सेप्ट है ये केवल वाटर एज अ सॉल्वेंट जब यूज करते हैं तब एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट लिमिट्स टू ओनली एक्वस सॉल्यूशन। तो एसिड क्या होते हैं, जो प्रोटॉन डोनर होते हैं एक्वस मीडियम में। प्रोटॉन डोनर का मतलब जो एक्वस मीडियम वाटर में H+ आयन देते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल HCl, HNO3, H2SO4, HClO4, S3PO4, एसिटिक एसिड है ये CH3COOH, SCOOH एटसेट्रा, ये सब क्या होंगे, एसिड होंगे वाटर में। तो HCl है, यहाँ पे एक्वस लिखा हुआ है, ये किस में टूट जाता है, ब्रेक होता है, H+ आयन एक्वस प्लस Cl- एक्वस, ये हाइड्रेटेड आयन्स होते हैं, क्योंकि जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में कर रहे हैं। तो H+ आयन है, एक्वस बनेगा, Cl- है, ये भी हाइड्रेटेड आयन होते हैं। तो H+ भी क्या होता है, सराउंडेड रहता है वाटर मॉलिक्यूल से, और Cl- भी सराउंडेड रहता है वाटर मॉलिक्यूल से।
तो यहाँ पे देखिए ये H2O है, H प्लस है, तो ये क्या बना दे रहा है, H3O प्लस दे रहा है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि ये एक एसिड होगा। देखिए NaCl है, NaCl एक सॉल्ट है और Na प्लस Cl माइनस में रहेगा। Na प्लस और Cl माइनस दोनों ही सराउंडेड होते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो ये आसान है कि केवल आप लोग अगर वाटर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो ये जितने भी लिखे हुए यहाँ पे ये सब एसिड की तरह बिहेव करेंगे। देखिए यहाँ पे है HCl प्लस H2O क्या दे रहा है, H3O प्लस प्लस Cl माइनस, और H2SO4 भी है, तो यहाँ से H2SO4 एक H प्लस देगा, किसको, वाटर को, H2O को। तो जब H2SO4 अपना H प्लस H2O को देगा तो ये क्या बना देगा, H3O प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा, HSO4 माइनस। तो यहाँ पे देखिए H2SO4 वाटर को क्या दे रहा है, H प्लस आयन दे रहा है और H3O प्लस आयन फॉर्म हो रहा था। हम लोग कह सकते हैं कि H2SO4 क्या है, एक एसिड है। तो अभी आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, केमिस्ट्री लर्नोपीडिया को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे जॉब नोटिफिकेशन जो भी केमिस्ट्री से होंगी वो आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो आगे इसी तरह से पढ़ते रहेंगे। चलते हैं बेस की तरफ। बेस क्या कहलाते हैं, तो जो वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मीडिया में OH माइनस देते हैं उनको हम लोग बेस कहते हैं। एग्जाम्पल है NaOH, KOH, आयरन हाइड्रोक्साइड और एक्वस NH3 एटसेट्रा। तो हम लोग पढ़ते हैं कि जो भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, वो बेस की तरह काम करते हैं। तो जो भी मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होते हैं उनकी बात हम लोग केवल एक्वस मीडियम में करते हैं तो वो बेस हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक और NH3 लिखा हुआ है, जैसे NH3 को जब वाटर में हम लोग डिजोल्व करते हैं तो ये NH4OH में बनाता है, और NH4OH एक वीक एसिड है, वीक बेस है। NH4OH क्या है, एक वीक बेस है। तो NH3 और H2O के बीच में एक इक्विलिब्रियम रहता है, और NH4OH पे ब्रेक किसमें होता है, अगर आयंस में ये ब्रेक हो रहा है अपने, तो NH4 प्लस और OH माइनस में ब्रेक होता है। तो कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं कि NH3 की रिएक्शन जब H2O के साथ होगी तो NH4OH बना देगा, लेकिन केवल 1% NH3 ही वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NH3, ना कि NH4OH। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो NH3 का एक्वा सॉल्यूशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस अमोनिया या NH4OH। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्वस अमोनिया। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्वस अमोनिया बोलते हैं। तो एक्वस अमोनिया करेक्ट आंसर होगा। एप्लीकेशन ऑफ आरिनियस कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं, कि जितने भी ऑक्साइड हैं मेटल्स के वो बेसिक करेक्टर शो करते हैं एक्वस मीडियम में। ये सब सॉल्ट हैं, और यहाँ पे देखिए Na2O, Na2O भी जब H2O में डिजोल्व होगा तो वो क्या देता है, Na2O क्या देता है, 2NaOH बना देगा। वो क्यों बनाता है ऐसा, क्योंकि जब Na2O ब्रेक होता है 2Na प्लस और O2 माइनस में, तो ये रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जो O2 माइनस है ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इस वजह से ये क्या करता है, H2O से एक H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और OH माइनस आयन बना देता है। लिखा हुआ है O2 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट इन एक्वा सॉल्यूशन बिकॉज O2 माइनस इज स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस। तो ये क्या करता है, अगर O2 माइनस वाटर में प्रेजेंट है तो O2 माइनस H2O से एक H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और OH माइनस आयन बना देगा। देखिए ये है O2 माइनस H2O से एक H प्लस आयन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है और 2OH माइनस आयन बना देगा। तो अगर बेसिक ऑर्डर पूछा जाए H2O, OH माइनस और O2 माइनस आयन में, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग O2 माइनस होगा, फिर OH माइनस होगा और H2O होगा। इस एसिड बेस के अगर PDF आप लोगों को चाहिए तो इसके लिए आप लोग हमसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको एसिड बेस की PDF मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे Na2O है, H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, 2Na प्लस है, प्लस 2OH माइनस बना दिया। अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे Li2O क्या है, मेटल का ऑक्साइड है, Na2, ये जितने भी, देखिए एक बात याद रखिएगा आप लोग कि जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं,
एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, इनमें मिक्स्ड प्रॉपर्टी होती है। ये एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं। अब हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। तो उसमें जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम है, बेरिलियम का जो ऑक्साइड होता है उसका नेचर एम्फोटेरिक होता है, एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। ओ क्या बोला है, ऑल द मेटल, ऑल द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर एक्सेप्ट बेरियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। सो ऑल द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जितने भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। हम लोग B2O3 देख लेते हैं। B2O3 कहाँ पहुंच गए हम लोग, बोरोन, बोरोन यानी बी ब्लॉक एलिमेंट में। तो B2O3 एक वीक एसिड है जिसको हम लोग लुईस एसिड भी बोलते हैं। लुईस एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि बोरोन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। Al2O3 या Ga2O3 मतलब एल्युमिनियम का ऑक्साइड, गैलियम का ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब होता है ऐसी स्पीसीज जो एसिड और बेस दोनों के साथ क्या कर लें, रिएक्शन कर ले। एसिड और बेस जब दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक स्पीसीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए M2O टाइप के ऑक्साइड हैं तो उनके लिए मेटल क्या होंगे, एल्कली मेटल्स। और MO टाइप के होंगे तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कली अर्थ मेटल्स। ये दोनों क्या देते हैं, देखिए OH माइनस दे रहे हैं, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो OH माइनस दे रहे हैं वाटर में, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। ऑक्साइड्स ऑफ सम नॉन मेटल्स, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो भी मेटल्स के ऑक्साइड हैं या हाइड्रोक्साइड हैं वो मेटलिक, वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स भी देख लेते हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स एग्जिबिट एसिडिक करेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन। तो जैसे कार्बन हुआ, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और क्लोरीन, ये सब नॉन मेटल्स होते हैं। इनके ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, कई ऑक्साइड्स का नेचर होता है एसिडिक। जैसे CO2 है तो H2CO3 बनाता है, ये वीक एसिड है। N2O5 है, ये HNO3 बनाता है। SO2 है, H2SO3 बनाता है। SO3 है, H2SO4 बनाएगा। P4O6 है या P4O10 है, ये H3PO4 बनाते हैं। Cl2O7 है, ये HClO4 बनाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि कार्बन नाइट्रोजन से हम लोग अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो नॉन मेटलिक करेक्टर इंक्रीज करता है, उनके ऑक्साइड्स का भी जो करेक्टर होगा वो एसिडिक करेक्टर होता जाएगा। दूसरी बात आती है कि ऐसे स्पीसीज या ऐसे सेंट्रल मैटर, ऐसे सेंट्रल स्पीसीज जिनमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती जाती है, जैसे ये नॉन मेटल है तो इनमें जैसे जैसे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती जाएगी तो इनका एसिडिक नेचर और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। पॉइंट क्या कह रहे हैं, बेसिक ऑक्साइड ऑफ मेटल सॉल्युबल इन वाटर रिलीजेस कोई OH माइनस एक्वस सॉल्यूशन, दस दे एग्जिबिट बेसिक करेक्टर। मतलब है कि जो मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर और नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, या हाइड्रोक्साइड, ये इनसॉल्युबल होते हैं, एम्फोटेरिक स्पीसीज वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और ये एसिडिक और बेसिक दोनों करेक्टर शो करते हैं। जैसे बेरिलियम का ऑक्साइड है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, गैलियम, जिंक, लेड, या फिर बेरियम का, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड, गैलियम का हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, ये सब किस में आएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड में आएंगे। अभी जैसे बताया था कि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए बेरियम, ये क्या है हमारे पास, बेरिलियम है, तो बेरिलियम का ऑक्साइड हो गया, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, HCl। और HCl का जब हम लोग एक्वस मीडियम में देखते हैं तो क्या है, HCl एसिड है, यानी बेरिलियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन से BeCl2 + H2O बनाता है। तो
तो यहाँ पे एच सी एल एसिड है तो बी यू किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। अब एन ए ओ एच क्या है, एक्वस मीडियम में बेस है तो बी यू किसकी तरह रिएक्ट करेगा, एसिड की तरह रिएक्ट करेगा। तो ये एन ए टू बी ओ एच का होल फोर बनाता है, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स ये बना देता है। तो बी ओ एसिड भी है और बेस भी है, क्योंकि ये एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता है। बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड है तो 2HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो सेम रिएक्शन होगी। सिमिलरली जिंक है, ये काफी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ZnOH2SO4 के साथ जिंक सल्फेट प्लस H2O, ZnONaOH प्लस H2O के साथ Na2ZnOH सोडियम जिंकेट बना देता है। ठीक है, तो इनको आप लोग पढ़िएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अब बात आती है न्यूट्रलाइजेशन, तो हम लोग पढ़ते हैं कि जब भी कोई H प्लस आयन OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट करता है, H प्लस आयन OH माइनस आयन के साथ रिएक्शन करता है तो H2O बनता है और इसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू होता है सॉल्ट प्लस वाटर, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट, क्योंकि आगे हम लोगों को वाटर के अलावा और भी डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट पढ़ना है। ठीक है, तो एच सी एल क्या है, एसिड है, एन ए ओ एच बेस है, एन ए सी एल प्लस एच टू ओ बनाएगा। तो देखिए दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, एच सी एल स्ट्रॉन्ग है, एन ए ओ एच स्ट्रॉन्ग है, एन ए सी एल भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एन ए सी एल भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो जब इस टाइप की हम लोग रिएक्शन लिखेंगे दोनों तरफ से, देखिए यहाँ एन से एन ए कैंसिल, सी एल से सी एल कैंसिल, क्या बचा है, एच प्लस ओ एच माइनस एच टू ओ बच रहा है। ठीक, तो एच टू ओ बना। अब जैसे ओ एच माइनस है, जैसे शुरुआत में हम लोगों ने देखा था कि एच थ्री ओ प्लस एसिड, ओ एच माइनस क्या है, बेस है, तो यहाँ पे भी ये क्या बना रहे हैं, एच टू ओ, और हम लोग किस सॉल्वेंट में पढ़ रहे हैं, एच टू ओ में पढ़ रहे हैं, तो एच टू ओ हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट। तो जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में पढ़ते हैं तो वहां पे एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर होता है। लिमिटेशंस क्या थी आरहेनियस कॉन्सेप्ट की, तो इट लिमिट्स टू ओनली एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी आ जाते थे कि किसी में प्रोटॉन नहीं है और फिर भी वो एसिडिक नेचर का है, किसी में ओ एच माइनस नहीं है वो भी बेसिक नेचर का है, तो ये चीज आरहेनियस नहीं बता पाए थे। तो इसी चीज को दूर करने के लिए और भी लोग आए थे, उनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे एन एच फोर ओ एच है और एच सी एल है, एन एच फोर सी एल प्लस सॉल्ट, ये बात तो ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आरहेनियस एच प्लस रिएक्ट विद ओ एच माइनस टू फॉर्म एच टू ओ एलोंग विद सॉल्ट। देखिए यहाँ पे जैसे एन एच थ्री है, इसको हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बेस पढ़ा था और एस सी एल को एसिड पढ़ा था, तो एन एच थ्री प्लस एस सी एल मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो केवल सॉल्ट बना है, तो यहाँ पे आरहेनियस कॉन्सेप्ट फेल हो गया था। सो नो एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिड एंड बेस करेक्टर ऑफ एच सी एल एंड एन एच थ्री रिस्पेक्टिवली। फिर आए लॉरी ब्रॉनस्टेड, ब्रॉनस्टेड एंड लॉरी का कॉन्सेप्ट क्या था, वहां पे उन्होंने कहा था जो एच प्लस देंगे, आरहेनियस ने क्या बोला था, जो एच प्लस देंगे वो एसिड होंगे। यहाँ पे भी वही चीज तो है, प्रोटॉन नाम रख दिया उन्होंने कि जो प्रोटॉन डोनर होंगे वो एसिड होंगे और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे वो बेस होंगे। तो यहाँ पे देखिए एच सी एल है, एच टू ओ हो गया, एच थ्री ओ प्लस प्लस सी एल माइनस बना रहा है, तो एच सी एल क्या करे, एच सी एल अपना एच प्लस आयन दे रहा है किसे, एच टू ओ को, तो एच सी एल क्या हो गया है, प्रोटॉन डोनर, तो प्रोटॉन डोनर है तो ये एसिड हो गया, और एच टू ओ क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बेस हो गया। अब जो एसिड होते हैं उनके करेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस बनते हैं, तो एच सी एल का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो सी एल माइनस होगा, और एच टू ओ का जो बेस है तो इसके करेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड होगा, तो ये कॉन्जुगेट एसिड। सिमिलरली एच टू एस ओ फोर प्लस एच टू ओ रिएक्ट करेंगे तो एच टू एस ओ फोर एच प्लस किसे दे रहा है, एच टू ओ को दे रहा है, तो एच प्लस क्या हो जाएगा, एसिड, एच टू ओ क्या हो जाएगा, बेस, तो एच टू एस ओ फोर का क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस, और एच टू ओ का बनेगा कॉन्जुगेट एसिड। सिमिलरली एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड एच टू ओ के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो एसिटिक एसिड क्या है, एसिड है, एच टू ओ बेस है, तो एच थ्री ओ प्लस बना रहा है, तो एच थ्री ओ प्लस कॉन्जुगेट एसिड होगा एच टू ओ का, और सी एच थ्री सी ओ माइनस कॉन्जुगेट बेस होगा CH3COH का।
सिमिलरली NH3 है तो NH4Cl सॉल्ट बनेगा। कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे एक बात आप लोग याद रखिएगा कि ऐसा पेयर जिसमें एक H प्लस आयन ज्यादा हो, मतलब एक हाइड्रोजन ज्यादा हो तो वो एसिड कहलाएगा और एक कम हो तो वो बेस कहलाएगा। जैसे हमारे पास CH3COOH और CH3COO- है, तो एच किस में ज्यादा है, एसिटिक एसिड में, तो ये कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा और इसका बेस पेयर होगा, इसमें एक एच कम कर देंगे तो CH3COO- होगा। समझ में आ गया? तो H3O प्लस है और H2O है, तो H3O प्लस को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड, और H2O कॉन्जुगेट बेस, तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होते हैं। ऐसे ही HCl है, तो HCl में H ज्यादा है, Cl में एक H कम है इन दोनों पेयर में, तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होंगे। समझ में आ गया होगा? तो एसिड विच है वन प्रोटोन मोर देन अ बेस इज अ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द बेस। तो ये बात समझा दी है, इनको आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई है कि एक H प्लस अगर इसमें ज्यादा है तो एसिड और इसमें कम है तो बेस, ये आप लोग पढ़िएगा। जैसे NH4 प्लस है तो NH4 प्लस है और NH3 है, तो एक H किस में ज्यादा है, NH4 प्लस में, तो ये एसिड होगा और ये NH3 क्या होगा, बेस होगा। इनमें देख लेते हैं, जैसे NH3 है, NH2 माइनस है, तो इन दोनों पेयर में किसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, NH3 के पास ज्यादा है, तो ये एसिड होगा और ये बेस होगा। अब इनमें भी हम लोग, यहाँ पे तो बेस है, लेकिन जब ये दोनों पेयर हैं NH2 माइनस और NH2 माइनस, ये तो इसमें क्या है, एक एच ज्यादा है तो ये एसिड हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। अब इन दोनों पेयर में अगर कंपेयर करें तो इसमें एक हाइड्रोजन ज्यादा है, इसमें हाइड्रोजन कम है, ये एसिड होगा और ये बेस होगा। से H2SO4 HSO4 है, इसमें एक हाइड्रोजन ज्यादा है, इसमें एक हाइड्रोजन कम है, तो ये एसिड हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ऐसे ही तो आप लोग इनको देख लीजिएगा, उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगी, ये एग्जांपल है, आप लोग पढ़िएगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, तो 100% रिएक्शन विद वाटर, तो वाटर के साथ जो 100% रिएक्शन है आप कंप्लीटली सॉल्वेबल हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल है HCl, HNO3, H2SO4, HClO4, SO3F, H2S2O7, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड में आएंगे। और जो पार्टली आयनाइज होंगे वाटर में उनको हम लोग वीक एसिड कहते हैं, एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, HCN, H2CO3, H3PO4, HF, एटसेट्रा। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इनकी प्रोटॉन एफिनिटी जब बहुत ज़्यादा हो तो वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे OH माइनस है, ये H प्लस को आसानी से एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है अपने पास, O2 माइनस है, ये भी अपने पास बहुत आसानी से H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, NH2 माइनस भी कर सकता है, N3 माइनस और NH2, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में रखे जाएंगे। और वीक बेस का मतलब है कि ये प्रोटॉन को बहुत डिफिकल्टी से बाइंड करें, जैसे Cl माइनस है, एक वीक बेस है, वीक कॉन्जुगेट बेस है HCl का, PRI एटसेट्रा। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स ऑफ नॉन मेटल, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन, यहाँ पे देखिए HClO है, HClO2 है, HClO3 है और HClO4 है, तो यहाँ पे अगर आप लोग Cl की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे आएगी +1, यहाँ पे आएगी +3, यहाँ पे आएगी +5 और यहाँ पे आएगी +7। तो देखिए सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या किसमें हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें बढ़ रही है, सबसे ज्यादा हो रही है इसमें, +7, +5, +3, +1। तो जैसे जैसे ऑक्सी एसिड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, सिमिलरली इनमें भी वही पैटर्न फॉलो होगा। तो यहाँ से देखिए लेफ्ट टू राइट में क्या लिखा हुआ है, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। और अब ClBrI, यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज्यादा साइज किसका है, I का साइज है, Cl का साइज कम होता है, तो यहाँ पे जो पोलरिटी है उतनी इफेक्ट नहीं करती है, तो ऊपर से नीचे आने पे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है, इनको भी याद रखिएगा। ये लिखा हुआ है देखिए, +1, +3, +5,
इस तरीके से। तो पोलैरिटी ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़िएगा। पोलराइजेशन का मतलब होता है, देखिए CLBR और I है ठीक, तो जितना जो हमारे सेंट्रल में स्पीसीज होता है उसका साइज जितना छोटा होगा वो अपने बगल वाले एनायन को उतना ही ज्यादा क्या करेगा, पोलराइज करेगा, फजान रूल लगता है। तो पोलराइजेशन सबसे ज्यादा इसमें होगा, तो एच प्लस आयन इजली रिमूव हो जाएगा, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये कम एसिडिक होगा। अब यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है, ये भी एक्सेप्शन है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो H3PO4 है, H3PO3 है और H3PO2 है, तो इसमें +5 है, इसमें +3 है। अब हम लोगों का ये वाला जो रूल था कि ऑक्सीकरण संख्या सेंट्रल स्पीसीज पे जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, लेकिन इस केस में बिल्कुल रिवर्स हो गया है। क्यों? इसमें भी पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट लगना है। देखिए जब हम लोग इनको एक्सपेंड करके स्ट्रक्चर लिखते हैं तो H3PO4 में क्या है, 3 OH है और एक पी डबल बॉन्ड O है। यहाँ पे 2 OH है, एक पी डबल बॉन्ड O है और एक H है। H3PO2 में एक POH बॉन्ड है, एक पी डबल बॉन्ड O है, 2 H लगे हुए हैं डायरेक्टली फॉस्फोरस से। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग कि एक पी ओ बॉन्ड है, 1 PO पोलराइजेस 3 OH, एक पी ओ बॉन्ड पोलराइज कर रहा है 3 OH को, यहाँ पे एक पी ओ बॉन्ड पोलराइज कर रहा है 2 OH को, और यहाँ पे एक पी ओ बॉन्ड पोलराइज कर रहा है 1 OH को। मतलब सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसमें है, इस पी ओ बॉन्ड में, इस पी ओ बॉन्ड में पोलराइजेशन ज्यादा है। तो ये क्या कर सकता है, एच प्लस को आसानी से बाहर निकाल देगा, आसानी से निकाल देगा बाहर। और ये इनका नेचर एसिडिक होता नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली फास्फोरस से अटैच है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका हो जाएगा, इस वाले एच का हो जाएगा, इसीलिए ये पैटर्न फॉलो होगा। एसिडिक करेक्टर ऑफ हाइड्राइड ऑफ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो अगर हम लोग उनके साथ हाइड्रोजन को अटैच कर दें तो एसिडिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करेगा। एसिडिक करेक्टर ऑफ HX, मतलब हम लोग HF, HCl, HBr, HI की बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, HI सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, HF लेस एसिडिक होता है, तो HI मोर एसिडिक। और ये इनमें क्या है, स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी होती है, पोलराइजेशन बहुत ज्यादा होता है। बेसिक करेक्टर अगर हम लोग इन कॉन्जुगेट बेस की बात करें तो इन सब में हम लोग एच प्लस लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए HF ये OH2O बना देगा, ये NH3 बना देगा और ये CH4 बना देगा। तो HF का नेचर तो कैसा होता है, एसिडिक होता है ना, तो HF एसिडिक होता है, लेकिन इसका जो कॉन्जुगेट बेस F- बनेगा वो बहुत वीक होगा। तो F- वीक है और CH3- स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, CH3- स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, तो बेसिक करेक्टर डिक्रीज कर रहा है बिकॉज एसिडिक करेक्टर ऑफ देयर कॉन्जुगेट बेस डिक्रीजेस। अब यहाँ पे देखिए CH3- है, NH2- OH-, ये भी इफेक्टिव प्रोटॉन बाइंडिंग टू गेन स्टेबिलिटी, ये सबसे ज्यादा बेसिक। NH3, PS3, SS3, SBC3 और BIS3 में भी पूछा जाता है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बेस कौन होता है, NH3 होता है, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो बाइंड नहीं रहता है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। जबकि फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, इन सब में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 के आसपास होता है, ये आसानी से अपने लोन पेयर नहीं दे पाते हैं। तो सबसे ज्यादा बेसिक करेक्टर किसका होगा, NH3 का होगा। बेसिक करेक्टर ऑफ NH3 हाइड्राजिनो NH2OH, तो यहाँ पे हम लोगों को देखने से ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और OH है, तो सबसे यहाँ पे लोन पेयर भी प्रेजेंट है ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन पे भी, तो जिसपे जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे वो उतना बेसिक होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए हम लोग जब एक्सपेंड करके लिखते हैं इनको तो NH3 इस तरीके से लिखा जाएगा। अब NH2 हाइड्राजीन में जो हाइड्रोजन है वहां पे क्या कर दिया हम लोगों ने, एक NH2 लगा दिया, बाकी 2 H है, और इसमें हाइड्रोक्सिलेमीन में इसकी हाइड्रोजन की जगह OH है, बाकी 2 OH। अब यहाँ पे ये देखिए कि H नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3 है और हाइड्रोजन की 2.2 है, तो जो एब्स्ट्रैक्ट करने की पावर होगी इलेक्ट्रॉन पेयर की वो नाइट्रोजन की होगी, यानी नाइट्रोजन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी और एक इलेक्ट्रॉन पेयर पहले से है तो ये डोनेट करने की टेंडेंसी यहाँ पे ज्यादा होगी।
अब यहाँ पे देखिए दो हाइड्रोजन है प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे अपना, लेकिन यहाँ पे एनएच टू अपना माइनस आई इफेक्ट शो कर लेगा, तो यहाँ से क्या होगा इस लोन पेयर की जो टेंडेंसी होगी डोनेट करने की वो कम हो जाएगी। अब बताइए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, तो ये और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इस के लोन पेयर को नहीं छोड़ेगा, मतलब ये टाइटली बॉन्ड होगा, तो ये वीक बेस हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस NH3 होगा और NH2H ये वीक बेस होगा। एमीन्स का बेसिक करेक्टर पूछा जाता है, तो गैसियस फॉर्म में तो फॉलो करता है 3-2-1 और अमोनिया के फॉर्म में, ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये अमोनिया है, ये फॉलो करेगा, लेकिन सॉल्यूशन में क्या हो जाता है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री एंड देन अमोनिया। इसके बाद हम लोग इसमें साइक्लिक कंपाउंड में अगर देखेंगे तो साइक्लिक कंपाउंड में भी सेम पैटर्न फॉलो होगा, जैसे साइक्लिक में यहाँ पे हो रहा था, तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन का अपना माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन अपना माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा ये वाला कंपाउंड। अब यहाँ पे देखिए है यहाँ पे, तो जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन में अगर नाइट्रोजन है और उसका लोन पेयर है, इसका मतलब है वो न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्ड है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो टाइटली बॉन्ड है, आसानी से नहीं दे पाएगा, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, तो टाइटली बॉन्ड होगा तो ये नहीं दे पाएगा, sp3 लेस होता है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर अपना दे देगा। सॉल्वेंट सिस्टम में अब हम लोग चल रहे हैं, सॉल्वेंट सिस्टम धीरे धीरे हम लोग अब वाटर से डिफरेंट सॉल्वेंट की तरफ चल रहे हैं, तो सॉल्वेंट सिस्टम में टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट या प्रोटोनिक सॉल्वेंट हम लोग बोलते हैं, सो दे अंडरगो सेल्फ आयनाइजेशन टू रिलीज प्रोटॉन, दे जैसे H2O है, अपने H2O के साथ ही रिएक्शन कर ली, तो H3O+ बना रहा है और OH माइनस आयन बना रहा है, तो जब सेल्फ आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है, जैसे H2O लिखा है वहां पे, NH3 लिखा है, हाइड्रोजीन है, एसिटिक एसिड है, HF है, H2SO4 है, HSO3F है, तो इनको पहले हम लोग देख रहे हैं उनकी सेल्फ आयनाइजेशन रिएक्शन करा के, तो उनमें देखेंगे हम लोग कि वो किस किस में टूटते हैं, मतलब उसकी एनायनिक फॉर्म कौन सी होती है और कैटायनिक फॉर्म कौन सी होती है। तो H2O ने जब H2O के साथ रिएक्शन की तो ये H3O+ आयन में और OH- आयन में ब्रेक हो गया, तो जो H3O+ आयन है ये क्या कहलाएगा, सॉल्वो कैटायन कहलाएगा, और जो OH- आयन बना वो सॉल्वो एनायन कहलाएगा। ऐसे ही जब NH3 और NH3 जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो NH3 और NH3 क्या करेगा, ये NH4+ में और NH2- में ब्रेक हो जाएगा, तो NH3 NH4+ ये क्या कहलाएगा, सॉल्वो कैटायन, और जो NH2- बना उनको हम लोग बोलेंगे सॉल्वो एनायन। तो सॉल्वो कैटायन का नेचर हमेशा याद रखना एसिडिक होगा और सॉल्वो एनायन का नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो नॉन प्रोटिक मतलब जिनमें हाइड्रोजन नहीं है, तो दे हैव नो प्रोटॉन, जैसे लिक्विड BrF3, लिक्विड N2O4, लिक्विड SO2, लिक्विड POCl3 एटसेट्रा। BrF3 की एक रिएक्शन नेट जून 2019 में पूछी गई थी, काफी रिएक्शन पूछी जाती है, तो यहाँ पे देखिए BrF3 और BrF3 है, तो ये यहाँ पे कोई भी प्रोटॉन नहीं है, लेकिन F F तो अपना मूव कर रहा है, एक F क्या गया इसके पास चला गया, तो ये B ये क्या हो गया, देखिए टोटल 6 है, तो ये इस टाइप का बनाता है BrF2 और BrF3, ये BrF3 की जगह BrF4- होगा, क्योंकि यहाँ से जब एक F इसके पास जाएगा तो ये BrF2+ बनेगा और यहाँ पे होगा BrF4-। SO2 और SO2 है तो ये क्या कहलाएगा, सॉल्वो कैटायन, और ये कहलाएगा सॉल्वो एनायन, ऐसे ही SO2 है, ये भी नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये ब्रेक होता है SO ऊपर 2+, और ऐसे ही SO3 2- में, ये सॉल्वो कैटायन कहलाता है, ये सॉल्वो एनायन कहलाता है, N2O4 ब्रेक होंगे तो ये N2NO+ में और 2NO3
थ्री माइनस में ब्रेक होंगे, सॉल्व वो एनायन सॉल्व वो कैटायन में ब्रेक हो जाएंगे। तो अब हमें ये चीज देखना है, जैसे हम लोग वाटर पढ़ते थे तो वहां पे जब एच प्लस मिलता था, ये एच थ्री ओ प्लस बनता था, जो भी स्पीसीज घोलते थे वो अगर एच प्लस आयन दे रहा था वो एसिड कहलाता। तो ऐसे ही हम लोग इन सॉल्वेंट में देखेंगे कि जो सॉल्वो कैटायन दे, कोई हम स्पीसीज घोल रहे हैं इन सॉल्वेंट्स में, तो अगर वो सॉल्वो कैटायन दे रहा है तो उसका नेचर, जो हम लोग घोल रहे हैं तो उसका नेचर क्या कहलाएगा, एसिडिक कहलाएगा। और अगर घोलने वाली स्पीसीज सॉल्वो एनायन दे रही है, सॉल्वो एनायन दे रही है, तो वो क्या कहलाएगा, बेसिक नेचर का कहलाएगा। तो क्या है, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड दैट कैन एग्जिस्ट इन अ सॉल्वेंट इज सॉल्वो कैटायन और सॉल्वो एनायन। नॉन एक्वस सॉल्वेंट में सॉल्वेंट अदर देन वाटर, सॉल्वेंट अदर देन वाटर वाटर कहलाते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सॉल्वेंट अदर देन वाटर, अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट सिस्टम अ सब्सटेंस दैट एनहांसेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वो कैटायन। अभी वही चीज हम लोगों ने देखा सॉल्वेंट सिस्टम में, अभी मैं जो बात कर रहा था कि ऐसी स्पीसीज जब हम लोग इस टाइप के नॉन एक्वो सॉल्वेंट में हम लोग डिसॉल्व करते हैं और वो सॉल्वो कैटायन देता है, उसका मतलब ये हुआ कि जिसने क्या किया, सॉल्वो कैटायन के कंसंट्रेशन को इनक्रीज कर दिया, तो वो एसिड कहलाएगा। और ऐसा सब्सटेंस या ऐसी स्पीसीज जो सॉल्वो एनायन के कंसंट्रेशन को इनक्रीज कर दे, वो बेस कहलाते हैं। तो हम लोग इसमें लेवलिंग और डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट पढ़ते हैं, लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, HNO3, H2SO4, HClO4 रिएक्ट 100% विद वाटर टू गिव H3O+ आयन, दैट मींस दे अंडरगो 100% आयनाइजेशन इन वाटर। सो ऑल दीज एसिड्स आर लेवल्ड टू H3O+। मतलब जब 100% हम लोग ये डिसॉल्व हो जाएं तो उसको हम लोग लेवल्ड कहते हैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड लेवलिंग इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट एंड द सॉल्वेंट इज कॉल्ड लेवलिंग सॉल्वेंट। 100% आयनाइजेशन की बात हो रही है वाटर में हो रही है, ये लेवलिंग कहलाते हैं। इन द बेस सॉल्वेंट्स ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, अब यहाँ पे याद रखिएगा, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है, इन बेस सॉल्वेंट्स ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, HNO3, H2SO4, HClO4, etc. एंड ऑल एसिड्स विच एक्ट एज वीक एसिड इन वाटर एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। इस लाइन का मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास बेसिक सॉल्वेंट है तो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेंगे और वीक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करने लगेंगे। वीक एसिड भी किसकी तरह बिहेव करने लगेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस एसिड की तरह बिहेव करने लगेंगे बेस सॉल्वेंट में। द बेस सॉल्वेंट लेवल द ऑल द एसिड्स टू देयर सॉल्वो कैटायन, दस द बेस सॉल्वेंट एक्ट एज लेवलिंग सॉल्वेंट फॉर द एसिड। सो यहाँ पे जो हमारे पास जो बेस सॉल्वेंट है ये लेवलिंग सॉल्वेंट होगा एसिड के लिए, क्योंकि ये डिफरेंशिएट कर दे रहा है कि कौन, यहाँ पे हम लोग क्या कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं कि ये एसिड बेस होगा। तो यहाँ पे जो बेस सॉल्वेंट है वो लेवलिंग होगा, जैसे HCl, H2O, H3O+, Cl- दे रहे हैं, एसिटिक एसिड H2O, ये सब दे रहे हैं। तो ये आप लोगों को एक्वो सॉल्यूशन में आपको पता होगा। अब है लिक्विड NH3, हमारा सॉल्वेंट है लिक्विड NH3, तो इसमें क्या है, HCl और NH3 है। NH3 क्या है, बेसिक सॉल्वेंट कंसीडर कर रहे हैं अब हम लोग। NH3 को क्या कंसीडर कर रहे हैं, बेसिक सॉल्वेंट। तो बेसिक सॉल्वेंट है, HCl डिसॉल्व कर रहे हैं, NH4Cl बना रहा है, तो बेसिक सॉल्वेंट NH3 में HCl क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। हम लोगों को पता है एक्वस मीडियम में, यहाँ पे देखिए एक्वस मीडियम में जो एसिटिक एसिड है वो क्या है, एक वीक एसिड है। लेकिन जब हम लोग NH3 सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, NH3 कैसा है, बेसिक सॉल्वेंट है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह, एसिटिक एसिड किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा, इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली द एसिड सॉल्वेंट एक्ट एज लेवलिंग सॉल्वेंट फॉर बेसिस। देखिए यहाँ पे हम लोगों को पता है जैसे NH3 है और H2O है, एक्वस मीडियम में तो NH3 HCl4 क्या होते हैं, एसिड होते हैं ना, ये एसिड होते हैं,
क्योंकि ये कॉन्जुगेट बेस बना रहे हैं। लेकिन जब हम लोग H2SO4 को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, H2SO4 को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो हम लोगों को पता है H2SO4 क्या है, एसिड है, और यहाँ पे ये किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, एसिडिक सॉल्वेंट की तरह। तो इसमें जब HNO3 घोला जाता है तो HNO3 का नेचर कैसा हो जाता है, बेसिक हो जाता है, क्योंकि H2SO4 अपना H+ HNO3 को दे रहा है। तो HNO3 क्या हो गया, प्रोटॉन एक्सेप्टर। जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं उनको हम लोग बेस कहते हैं, जो प्रोटॉन डोनर होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो ये प्रोटॉन डोनर हो गया तो एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट सोल्वो एनायन दे रहा है, सोल्वो एनायन मिल रहा है ना हम लोग को, जैसे H2SO4 जब ब्रेक होता है तो सोल्वो एनायन दे रहा है। तो सोल्वो एनायन का मतलब क्या है, जो घुलने वाली स्पीसीज है वो बेस है। सिमिलरली HClO4 है, ये सोल्वो कैटायन दे रहा है, तो घुलने वाली स्पीसीज क्या हो गई है हमारे पास, एसिड हो गई है। लिक्विड अमोनिया की बात कर रहे हैं हम लोग, लिक्विड अमोनिया अगर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है तो ऑटो आयनाइजेशन रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले। जब भी आप लोग एक बात याद रखना, जब भी डिफरेंट सॉल्वेंट की बात हो, मतलब हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्वेंट की बात हो, तो ऑटो आयनाइजेशन रिएक्शन आप लोगों को लिखना है और उनमें देखना है कि सोल्वो कैटायन क्या है और सोल्वो एनायन क्या है। उसके बाद आगे जो घुलने वाली स्पीसीज है उसके करस्पॉन्डिंग आप लोग ये देखिए कि सोल्वो एनायन दे रहा है वो या सोल्वो कैटायन दे रहा है। सोल्वो एनायन अगर देगा तो वो क्या कहलाएगा, बेस। सोल्वो कैटायन देगा तो वो क्या कहलाएगा, एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्वो कैटायन सोल्वो एनायन इस तरीके से हमें मिलता है ऑटो आयनाइजेशन रिएक्शन में। तो ये जनरल रिएक्शन है एसिड बेस वाली। यहाँ पे सोल्वो कैटायन देखिए HCl है, NH3 में घोला तो सोल्वो कैटायन मिला, तो HCl क्या है, एसिड हो गया। CH3COH है, NH3 में घोल रहे हैं, NH4+ बन रहा है, सोल्वो कैटायन मिल रहा है, मतलब CH3COH भी क्या हो गया, एसिड हो गया। अब कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जैसे एस्टामाइड, यूरिया, सल्फामाइड एंड सल्फोमिक एसिड, विच आर न्यूट्रल इन वाटर बट एक्ट एज वीक एसिड इन लिक्विड NH3। देखिए जैसे NH2CO NH2 है, यूरिया H2O में न्यूट्रल होता है, कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन NH3 में ये वीक एसिड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि यहाँ से ये अपना H+ NH3 को दे देता है और सोल्वो कैटायन बना रहा है। देखिए सोल्वो कैटायन मिल रहा, सोल्वो कैटायन मिल रहा है, तो जो घुलने वाली स्पीसीज है वो क्या होगी, एसिड होगी। ठीक, तो ऐसे ही इनको भी देखिएगा, यहाँ पे देखिए CH3CONH2 है, NH3 एक बेस है, बेसिक सॉल्वेंट है, बेसिक सॉल्वेंट की आयनाइजेशन रिएक्शन हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोल्वो कैटायन और सोल्वो एनायन मिलता है। उसके बाद जो घुलने वाली स्पीसीज है वो अगर सोल्वो कैटायन दे तो वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। यहाँ पे ये भी क्या दे रहा है, सोल्वो कैटायन दे रहा है, तो ये भी एसिड हो गया। यहाँ पे देखिए ये भी सोल्वो कैटायन दे रहा है, तो घुलने वाली स्पीसीज क्या हो गई, एसिड हो गई। NH4X है, लिक्विड NH3 में क्या दे रहा है, सोल्वो कैटायन और X-। X- में ये सारे एनायन हो सकते हैं, तो NH4+X है। अब यहाँ पे देखिए KNH2 है, NH4X क्या दे रहा है, NH4+ दे रहा है, और KNH2 क्या दे रहा है, NH2- दे रहा है। जैसे H+ और OH- होता है, ऐसे ही NH3 के लिए NH4+ और NH2- होता है। तो ये सोल्वो कैटायन है और ये सोल्वो एनायन है। बेसिक स्ट्रेंथ, जिस पे जितना ज़्यादा पावर होगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी, उसका बेसिक नेचर उतना ज़्यादा होगा। PBNH है, PBNH को जब NH3 में हम लोग डिसॉल्व करते हैं, PBNH को जब हम लोग NH3 में डिसॉल्व करते हैं, तो ये PB2+ और NH2- दे रहा है। अब यहाँ पे आप लोग बताइए PBNH क्या है, एसिड है या बेस है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे इसके सबसे लास्ट में आप लोगों को बताएंगे, इसको आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बिस्मथ नाइट्राइड है, इसमें भी इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे जो BIN है वो एसिड होगा या बेस होगा। आगे हम लोग चलते हैं जिंक ऑक्साइड की तरफ, जिंक हाइड्रोक्साइड है, ये सब एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, एमाइड ऑब्जेक्ट एम्फोटेरिक विद रिस्पेक्ट टू NH3। तो यहाँ पे देखिए ZnNH2 है, ये NH2 है और ये NH2- है, तो इस तरीके से रिएक्शन हो रही है ये, तो ये एसिड होगा और ये बेस होगा।
ठीक, ये हो गया। अब जेड एन एन एच टू प्लस एन एच फोर एन एच थ्री, यहाँ पे देखिए ये एन एच फोर है, ये एसिड है, ये बेस है। ठीक, तो बेस और एसिड की आपस में रिएक्शन होती है, ये बेस है और ये एसिड है, तो ये सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट दे रहे हैं। देखिए एन एच थ्री सॉल्वेंट मिल रहा है हम लोगों को, तो हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था, जब भी एसिड है तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है या सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट, तो यहाँ पे हमें सॉल्वेंट मिलता है, तो ये भी एक टाइप की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को एम्फोटेरिक नेचर पढ़ना है, तो यहाँ पे देखिए एन एच टू माइनस क्या है, एक सोल्वो कैटायन है, यानी बेस है, एनायन है, बेस है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह है। और जब एन एच फोर एन ओ थ्री में हम लोग डिसोल्व करेंगे तो एन एच फोर प्लस से हम लोगों को पता चलेगा ये एसिड है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो जेड एन एन एच टू होगा वो बेस की तरह ट्रीट करने लगेगा। तो ये भी सोल्वो कैटायन सोल्वो एनायन का कॉन्सेप्ट है। बेसिक करेक्टर में एच माइनस ओ एच माइनस, तो एच माइनस ज्यादा होगा, तो एच माइनस देखिए क्या कर रहा है, एन एच थ्री के साथ जब रिएक्शन करता है ना तो एन एच टू माइनस देता है और एच टू, तो एन एच टू यानी सोल्वो एनायन मिल रहा है, तो यहाँ पे जो एच माइनस का नेचर होगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा। ओ टू माइनस है, एच टू ओ के साथ अभी हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था कि ओ टू माइनस का नेचर होता है एच प्लस एब्स्ट्रैक्ट करने का, तो ये टू ओ एच माइनस होता है, तो सोल्वो एनायन कहलाता है। सोल्वो एनायन दे रहा है तो ओ टू माइनस का नेचर बेसिक हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग, ये तो वाटर सॉल्वेंट हो गया, अभी एन एच थ्री सॉल्वेंट है तो ओ टू माइनस है, तो ओ टू माइनस किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या बन रहा है, सोल्वो एनायन बन रहा है, तो सोल्वो एनायन बनता है तो घुलने वाली स्पीसीज क्या होती है, बेस होती है, तो ये बेस हो जाएगा। ठीक, तो ये हम लोगों का एसिड बेस का पार्ट वन है। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इस वजह से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ये पार्ट वन आप लोग देखिएगा, उसके बाद पार्ट टू अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो आप लोग पहले इतना पढ़िए और इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको लगाइएगा। तो इसकी जो अगर आप लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।